हेलो स्टूडेंट, मैं शंकर कुमार, आप सभी का स्वागत है इस चैनल में। आज हम बताएंगे संस्कृत में, 9th क्लास का संस्कृत है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों को काम आएगा ये एग्ज़ाम में। और ये सभी के पास शेयर कर दे और सभी इसको देख सकेगा और तैयारी करो। यहाँ पे देखिए क्या दिया है, पशु नाम में कौन सी विभक्ति है, पशु नाम में कौन सी विभक्ति है, सप्तमी विभक्ति ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसके बाद है यहाँ पे मानी नाम में कौन सी विभक्ति है, तृतीया विभक्ति है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसको इस वीडियो को पूरा देखिए, आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता रहे हैं हम और ये एग्जाम में आएगा ही आएगा, और इसको छोड़ के मत जाइए और पूरा वीडियो देखिए इसको। यहाँ पे फिर दिया है चंद्र ज्वाला का संधि विच्छेद करें, तो संधि विच्छेद इसका चंद्र जोड़ उत जोड़ ज्वाला, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे वाग भूषणम का संधि विच्छेद करें, तो वाग जोड़ भूषणम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद यहाँ पे मलिमसा में कौन सी विभक्ति है, मलिमसा में तृतीया विभक्ति हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद जो है चंडात में कौन सी विभक्ति है, पंचमी विभक्ति, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसके बाद है अलुक्त में कौन सा समास है, तो नज समास है अलुक्त में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसके बाद है भूतेश्वर में कौन सा समास है, भूतेश्वर में कौन सा समास है, तो कौन सा समास होता है, तत्पुरुष समास, ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद तमादि से तमादि देश का संधि विच्छेद करें, तो इसमें हो जाएगा तम जोर अधिदेश, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसके बाद है यहाँ पे भवानी भवानी पीदम में का संधि विच्छेद करें, इसका संधि विच्छेद करेंगे तो भवान भवान पीदम का संधि विच्छेद करें। कमेंट बॉक्स में हमको बताइए इसका संधि विच्छेद क्या होगा, भवान जोर अपी जोर ईदम, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। इसके बाद है यहाँ पे पृष्ठे में कौन सी विभक्ति है, सप्तमी विभक्ति हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद है यहाँ पे इसके बाद है पृष्ठे में कौन सी विभक्ति है, तो सप्तमी विभक्ति है तो बता दिए हैं, और कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं इसका आंसर क्या होगा। इसके बाद धृतवानसी में संधि करें, तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, धृतवान जोर असी, ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद है पायसी में कौन सी विभक्ति है, तो सप्तमी विभक्ति हो जाएगा पायसी में। इसके बाद है ज्ञातवा में मूल धातु क्या है, ज्ञा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर। पूरा करके ही जाइएगा, नहीं तो आपको बाद में पछताना पड़ेगा, फिर बताइएगा कि नहीं बताए हैं, और इसको देख के ही जाना है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये हम जो बता रहे हैं, इसमें से पूछेगा ही पूछेगा, 100% गारंटी। इसके बाद चंड चंडिका में कौन सा समास है, द्वंद समास, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसके बाद है यहाँ पे वागधीश्वरी में संधि करें, तो वाग जोर अधि जोर ईश्वरी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसके बाद है अनुत्तरा में कौन सा समास है, नज समास है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अर्थपतिम में कौन सा समास है, तत्व पुरुष समास है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसके बाद है गति भरवती में संधि करें, गति भरवती में संधि करें, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गति जोर भवती, तो हो जाएगा गति भरवती। इसके बाद दुर्जना में कौन सा संधि है, तो विसर्ग संधि, ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद है भूषित में कौन सा प्रत्यय है, तो अक्त प्रत्यय, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं आप बपुष्ट का संधि विच्छेद करें, तो यहाँ पे हो जाएगा वपुः जोर च, ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद है भवसारम में कौन सा समास है, तो भवसारम में षष्ठी तत्पुरुष समास है। इसके बाद है विदुषा में कौन सी विभक्ति है, तो इसमें षष्ठी विभक्ति, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे है वक्तु
ओक्तुम में कौन सा प्रत्यय है, वक्तुम में कौन सा प्रत्यय है, तो तुमुन प्रत्यय ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद है दर्शनम में कौन सा प्रत्यय है, तो ल्यूट है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उक्तम में मूल धातु क्या है, तो वद है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसके बाद है कृत्वा में कौन सा प्रत्यय है, तो कृत्वा में कौन सा प्रत्यय, यहाँ पे कृत्वा में प्रत्यय जो है कत्वा है, ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद कर्णामृत का कौन सा सही संधि विच्छेद है, कमेंट बॉक्स में बताइए कौन सा होगा, कर्ण जोर अमृत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। जो इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबाना मत भूले, ताकि सबसे पहला वीडियो आप तक जरूर पहुंचे और इसको देख के ही जाएं।